हेलो गाइस, आज हम 15 अगस्त के अवसर पर कटोरी तिरंगा चाट बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कटोरी तिरंगा चाट बनाना। इसके लिए हमने ये एक गाजर ली है, इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, और थोड़ा सा हमने पालक लिया है, इसको भी हमने मिक्सी में पीस लिया है, और ये हमने एक बाउल ऑयल लिया है और एक बड़ा बाउल हमने मैदा लिया है। तो आइए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, सबसे पहले मैं प्लेन मैदा गूंद कर तैयार करूंगी। अब मैं इसमें चौथाई से कम नमक डालूंगी और इसमें मैं ऑयल डालूंगी एक ये टेबलस्पून, और इसे मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से हाथ से। हमारे मैदे के अंदर ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसकी ये मुठियां भी बनने लगी हैं। अब मैं इसे पानी की मदद से आटा गूंद कर तैयार कर लूंगी। मैं इसका टाइट डो बनाकर तैयार करूंगी। और ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो गया है। और मैं इसे आटे को प्लेट में रख देती हूँ रेस्ट के लिए। अब मैं दूसरा आटा तैयार करूंगी गूंदकर। अब इसमें आधी चम्मच से मैं कम नमक डालूंगी इसमें भी, और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें से बचा लिया है, और इसमें एक टेबलस्पून मैं ऑयल डालूंगी और इसे भी मिक्स करूंगी अच्छे से मैं। ये हमारा आटा में ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ये पालक डालूंगी। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, पालक ही डालूंगी, और इसे मैं आटा गूंद कर तैयार कर लूंगी। और ये हमारा ग्रीन आटा भी गूंद कर तैयार हो चुका है। और ये भी हमारा आटा गूंदकर तैयार हो गया है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। अब मैं ये मैदा सारा डाल लूंगी। अब मैं ये नमक बचा हुआ है चौथाई चम्मच से कम है, ये मैंने इसमें डाल दिया है, और एक टेबलस्पून इसमें भी ऑयल डाल दिया है, और इसे भी मैं मिक्स करूंगी अच्छे से। ये भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखो मुठियां बनने लगी हैं इसकी भी। अब मैं चम्मच की मदद से इसमें पिसी हुई गाजर डालूंगी, ये मैंने ऑरेंज वाली गाजर ली हुई है, और इसे मिक्स करूंगी मैं। और ये हमारा ऑरेंज आटा भी गूंद कर तैयार हो चुका है। इसमें हमारा ये गाजर का टुकड़ा निकला है, ये मिक्सी में पिसा नहीं था, इसे मैं बाहर निकाल देती हूँ। और ये आटा भी हमारा गूंद कर तैयार हो गया है। ये मेरे तीनों आटे गूंद के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, ऑयल को मैं गर्म होने देती हूँ। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम
इसके आटे की हम कटोरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं इनकी कटोरी बनाकर तैयार करूंगी। अब मैं इसकी रोटी बेलकर तैयार करूंगी। ये मैंने एक रोटी बेलकर तैयार कर ली है। ये मैंने एक कटोरी ली है। अब मैं इस रोटी को इस कटोरी के ऊपर रखूंगी और इसे इस प्रकार से फोल्ड करती जाऊंगी। अब मैं फोक की मदद से इसमें छेद कर दूंगी इस प्रकार से, जिससे कि ये हमारी रोटी फूलेगी नहीं कटोरी की। ये हमने इसमें छेद कर दिए हैं। हमारी एक कटोरी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं। ये हमारी ग्रीन रोटी बेलकर तैयार हो गई है। ये मैंने एक कटोरी फिर से ली है। अब मैं ये रोटी इस पे लगाऊंगी और इसे इस प्रकार से मैं इस पे चिपका दूंगी अच्छे से। और इसे भी मैं फोक की मदद से छेद करूंगी इसमें। ये हमारी ग्रीन कटोरी भी तैयार हो चुकी है। इसे भी मैं एक साइड में रख दूंगी। अब मैं ये ऑरेंज वाली बेल लेती हूँ। हमारी इस रोटी के अंदर ये गाजर मोटी रह गई हैं जो दिख रही हैं। ये भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे भी मैं कटोरी के ऊपर लगा लूंगी। ये भी हमारी कटोरी के ऊपर अच्छे से चिपक चुकी है। अब मैं इसमें फोक की मदद से फिर से छेद करूंगी इसमें। ये हमारी कटोरी में अच्छे से फोक से छेद हो चुके हैं और इधर हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं धीरे से कटोरी को इसके अंदर छोड़ देती हूँ। अब मैं चिमटे की मदद से इसे घुमाऊंगी और घुमाते रहेंगे तो धीरे से अपने आप ही कटोरी निकल जाएगी। ये
अब मैं इसे ये आराम से हमारी कटोरी निकल चुकी है। अब कटोरी को मैं एक साइड में निकाल लूँगी। कटोरी को मैं प्लेट के अंदर रख दूँगी क्योंकि आहिस्ता से रखना, कटोरी गर्म होगी। और ये हमारी कटोरी कितनी अच्छे से सिकी है, और ये हमारी कटोरी अच्छे से सिक चुकी है। देखो कितने बढ़िया से सिक के तैयार हुई है। और अब मैं इस कटोरी को निकाल लूंगी आराम से। ये कितने बढ़िया से सिक्के तैयार हुई है। अब मैं ये ऑरेंज वाली कटोरी इसमें छोड़ दूंगी। और अब मैं इसकी शेड चेंज कर दूंगी धीरे से। और ये हमारी कटोरी निकल गई है। कटोरी को मैं आस्था से निकाल लूंगी। ये हमारी कटोरी ये भी सिककर तैयार हो गई है। इसको भी मैंने प्लेट में निकाल ली। अब मैं ये ग्रीन वाली कटोरी डालूंगी। और ये हमारी ग्रीन कटोरी भी निकल चुकी है। और ये हमारी ग्रीन कटोरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारी तीनों कटोरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम कटोरी को भरने के लिए ये मैंने ऑरेंज गाजर ली है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और ये मटर लिए हैं मैंने, इनको भी बॉईल कर लिया है। और ये मैंने पनीर लिया है। और ये दो हरी मिर्च ली हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। तो आइए बनाते हैं इसकी चाट। ये मैंने सॉस पैन लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये गाजर डाल दूंगी। इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूंगी गाजर को। अब मैं इसमें चौथाई चम्मच, छोटा वाला चम्मच चाहिए, चौथाई चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और चौथाई ही चम्मच मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और चौथाई चम्मच मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। और आधा चम्मच मैं इसमें इमली की चटनी डाल रही हूँ। ये चटनी मैंने घर पर ही तैयार की है। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गैस को मैं बंद कर दिया है। और अब मैं इसे कटोरी में निकाल लूंगी। ये मैंने ऑरेंज वाली कटोरी ली है और इसमें मैं गाजर डाल रही हूँ। ये हमारी ऑरेंज कटोरी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसी सॉस पैन में थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये मटर डाल दूंगी और साथ ही मैं ये हरी मिर्च डालूंगी इसमें।
चौथाई चम्मच में इसमें नमक डालूंगी। चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर डालूंगी और चौथाई चम्मच में इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें दो तीन बूंदे नींबू की निचोड़ दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। और ये भी हमारे मटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे भी मैं कटोरी में निकाल लूंगी। अब मैं इसे भी ग्रीन कटोरी के अंदर मटर डालूंगी। ये हमारी ग्रीन कटोरी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल फिर से डालूंगी। अब मैं इसमें ये पनीर डाल दूंगी। पनीर में भी मैं चौथाई चम्मच नमक डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी और चौथाई चम्मच ही आमचूर पाउडर डाल दूंगी इसमें और इसे मिक्स करूंगी मैं। ये पनीर भी हमारा फ्राई हो चुका है, हमने इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अभी मैं कटोरी में डाल देती हूँ। ये हमारी तिरंगा चाट बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमारी सेहत के लिए हेल्दी है। इस वीडियो को आप जरूर देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।